मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहू पर जानलेवा हमला, ससुर ने दिया घटना को अंजाम। जांजगीर जिले के नवगढ़ ब्लॉक में एक ससुर ने अपनी बहू पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी। पड़ोसियों के बाद अन्य मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इसकी शिकायत बिलासपुर तोरवा थाना में की गई। घटना पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कुथूर की है। घायल महिला के बेटे ने बताया कि घटना 26 जुलाई की है। वे ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, इसी दौरान फोन आया कि उसकी मां गिर गई है और घायल हो गई है, जिस पर घर पर वे फोन लगाया तो फोन किसी ने नहीं उठाया, जिसे वे अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को फोन लगाया और घर जाकर देखने को कहा। तब वे पड़ोसी ने जब घर पहुंची तो दरवाजा बंद था, जिसके पास वे पीछे के दरवाजे से अंदर जाना चाहा तो उसका दादा दरवाजे को बंद कर दिया। फिर घर के छोटे से दीवार से झांक कर देखा तो पता चला कि महिला खून से लथपथ होकर गिरी पड़ी हुई है, जिससे उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उसके बाद उसके बेटे को इसकी सूचना दी गई। वे तत्काल मौके पर पहुंचे और अपने मन को जरा चिकित्सालय जांजगीर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया, जिसके बाद उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चला। कुछ दिनों पूर्व भी वे ठीक होकर घर पहुंची है। घायल महिला ने बताया कि उसके ससुर ने उस पर हमला क्यों किया, इसकी जानकारी उसे नहीं है। वे केवल काम कर रही थी, इसी दौरान पीछे से जोरदार हमला किया गया, जिससे वे मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। महिला व उसके बच्चे आरोपी दादा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी बताओ दिन की घटना के बारे में। हाँ, वो तो दिन में कुछ करत रहे, पाछू तिले मारिस मोला पता नहीं चली। मारे के बाद मोर कुछ याद नहीं। बोला कि काबर मारा था मोला ससुर की ऐसे करके? मैं कुछ नहीं कहे पाया, मोला देखे छ नहीं मारत। हाँ, अचानक मारे तो मैं गोठे आए वो भी नहीं पाए मोला। कामा मारी से? अब देखे थे मन राड में मारी से तो कहा थे। अभी कैसी तबीयत? अब है अभी दर्द उर्द है, अभी तो उठे खुद से उठे बैठे नहीं सका था, उठाते तो उठो। का चाहत है मारने वाला के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, अब करे तो हाँ रिपोर्ट, अब हो ही कार्रवाई। जी बताएंगे आपकी अम्मा का घटना कैसे? ये 7 महीने 26 तारीख की घटना है। जब जिस टाइम मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस टाइम मेरे को फ़ोन आया कि आपकी माँ गिर गई है करके। तो मैंने सोचा कि सीढ़ी वगैरह से, छोटा सा सीढ़ी है घर में, उससे गिर गई होगी। तो घर में फ़ोन लगाया तो घर में फ़ोन नहीं लगा, कोई उठाया नहीं फ़ोन को। तो मैं एक घर की पड़ोसी है, रिश्ते में बुआ है, उनको फ़ोन किया तो वो फिर बोले कि ठीक है मैं जाकर देखती हूँ करके। तो फिर वो गई तो सामने का दरवाज़ा बंद था, तो वो घूम के हमारे मैंटले दादा के घर के पीछे से गई। तो वो उसके मतलब वो बताए कि वो दरवाज़ा वो बंद करने लगा, जो मेरे दादा हैं वो। फिर वो जो है वो हट करने लगी कि दरवाज़ा क्यों बंद किए। तो वो हमारा छोटा सा दीवार है बगल में, वहाँ से देखी तो मम्मी जो है मूर्छित पड़ी हुई थी खून से लथपथ। तो वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर वो घर तरफ भागी, अपने घर तरफ। फिर वो घर से अपने उसकी जो बड़ी बहन है वो आई, फिर वो दोनों बचाए। तो उनके द्वारा बोला भी गया कि उनको भी मारने की धमकी दी गई कि तुम क्यों बचा रहे हो करके। कौन दिया धमकी? मेरे दादा, और वो वहीं पर बैठे हुए थे। तो फिर अब वो दोनों जो है उनको संभाले। फिर मैंने फ़ोन किया दीपक सिंह को, तो फिर वो भी तुरंत पहुँच गया। फिर भैया को फ़ोन किया जहांगीर के, तो वो भी पहुंच गए। फिर दोनों मेरे कोरबा से निकलने से आने से पहले वो हॉस्पिटल मम्मी को लेकर पहुंच गए थे, ये अपना जहांगीर का जिला हॉस्पिटल में। तो यहाँ कुछ नॉर्मल इलाज हुआ, उसके बाद उनको बिलासपुर सिम्स रिफ़र कर दिया गया। फिर सिम्स में, फिर सिम्स से फिर दूसरे जगह रिफ़र कर दिया गया। तो हम लोग उसको, मम्मी को स्वास्थ्य हॉस्पिटल बिलासपुर में लेकर गए। तो वहाँ मम्मी करीबन 18 से 20 दिन रही। वहाँ फिर ठीक होने के बाद फिर अपन रिफ़र होकर घर आए। इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए? इस घटना के बारे में मैंने बिलासपुर तोरवा थाना में रिपोर्ट लिखवाया,
फिर उन्होंने आकर बयान लिया मम्मी से, तो मम्मी ने बताया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो वो जो है पीछे से मारे हैं, तो वो उनको पता नहीं कि किस तरह से मारे हैं करके, तो आस पड़ोस से पता चला कि राड में मारे हुए हैं।